हाउ टू स्कोर सब के दिमाग में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करें जिससे हाइएस्ट परसेंटाइज आए बिकॉज़ ये एग्जामिनेशन हो रहा है फॉर द पी एच डी एंट्रेंस चार यूनिवर्सिटीज़ के लिए राइट ना हो बट स्टिल हमारा एम यही रहता है कि हम सबसे ज़्यादा स्कोर करें इन एनी एग्ज़ामिनेशन सो द टाइम इज़ वेरी लेस अपनी स्ट्रैटी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा कोर्स भी जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए एंड देखिए कई एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि लाइक यू नो एवरीथिंग बट द फाइनल रिजल्ट इज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन एंड इट्स नॉट एज पर योर नॉलेज सो नॉलेज के साथ कुछ डिफरेंट टिप्स हैं वो बहुत ज्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर द नाइंटी परसेंट आई एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर द नाइंटी परसेंट आई इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन इन ऑर्डर टू क्लियर द काउंसलिंग ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ सो चलिए आज की टिप्स पे डिस्कस करते हैं बिकॉज कई लोगों का एग्ज़ाम तीन चार दिन बाद है कई लोग का कुछ दिन और के बाद है सो टाइम इज़ वेरी नीयर सो प्लीज़ बी केयरफुल अगर उसके बाद भी कोई डाउट लगता है यू जस्ट टेक्स्ट मी सो दैट आई जस्ट गेट यू नो कि क्या दिमाग में आपके चल रहा है और हमको कैसे रिजोल्व करना है सो so, क्वेश्चन दिमाग में अभी यही है हाउ टू क्रैक एन टी एस यू टी लाइज लास्ट फाइव डेज स्ट्रैटेजीज़ सो किसी का पाँच दिन है किसी का चार दिन है बट जो भी कभी भी ये देख रहा है और अगर उसके बाद उसके पास अगर एक वीक दस दिन पाँच दिन बचे हुए हैं सो वॉट शुड बी द स्ट्रैटेजी रिविजन कर ले जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है और लास्ट के पाँच दिन और एग्जामिनेशन में क्या क्या दिमाग में पॉइंट्स रखने जरूरी हैं सो दैट योर करेक्ट आंसर विल गिव यू अ पॉजिटिव मार्क्स नॉट नेगेटिव ऐसा कई बार होता है कि हमको चीज़ें पता होती हैं बट बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक वी कैन नॉट कंटिन्यू सो एन टी ए सी यू ई टी का जो तो एग्जामिनेशन हो रहा है दो पेपर्स में है फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट यू नो वेरी वेल अबाउट द रिसर्च मैथडोलॉजी दिस पेपर इज कॉमन फॉर ऑल दी लाइक सब्जेक्ट्स बट स्टिल जब एन टी ए की समर्थ की वेबसाइट पर देखा सो so, कुछ सब्जेक्ट्स उसके अंदर ऐसे थे स्पेशली द केमिस्ट्री दे हैव मैंशन अबाउट द यूनिट वन दैट इज़ अ पेपर वन रिसर्च मैथडोलॉजी एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ रिसर्च मैथडॉलॉजी आर फोकस्ड टूवर्ड्स केमिस्ट्री सेक्शन तो अगर ऐसा हुआ सो इट विल बी अ क्वाइट डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज रिसर्च मैथडोलॉजी अगर वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कन्वर्ट कर देंगे सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर एवरी वन बट इस सिचुएशन में यू नो नीड टू वरी यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज आपके पास कॉन्सेप्ट हैं अगर वो ऐसा पैटर्न चेंज हुआ देन ऑल्सो उसके अंदर फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन ऐसे कॉमन होंगे दैट यू विल डू सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज कैसा भी पैटर्न आया बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम सी यू ई टी एन टी इज़ एग्जामिनेशन फॉर द पी एच डी सो आपका जो एम रहेगा मिनिमम टू मिनिमम स्कोर करना 50 टू 60 परसेंट इन पेपर वन एंड 50 टू 60 परसेंट इन पेपर टू एनी हाउ ये करेक्ट होने चाहिए बिल्कुल हाफ टाइम के अंदर सो पेपर वन और पेपर टू की अगर मैं बात करूँ सो so जो सबसे पहली टिप है मेरी दैट इज़ यू हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रॉग एरिया नाउ टॉक अबाउट द पेपर वन सो पेपर वन यू नो वेरी वेल अबाउट द रिसर्च मैथडोलॉजी सिलेबस उसके अंदर रिसर्च डिज़ाइन है रिसर्च एसे हैं डेटा सोर्स डेटा एनालिसिस ठीक है स्टैटिस्टिकल है फिर टेस्ट हैं प्लेगरिज्म है अलग अलग टॉपिक्स हैं सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द एरियाज इन विच यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द पेपर्स पेपर वन एज वेल एज पेपर टू फॉर एग्जाम्पल पेपर वन के अंदर अगर आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स बहुत कमांड है ठीक है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे बहुत कमांड है तो जब आप फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे सो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन और जिन जिन क्वेश्चन पे आपको पता है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस सेक्शन एंड आई नो दिस जस्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट एंड मूव फॉरवर्ड सो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को पहले अटेम्प्ट करके आंसर फिक्स करके लॉक कर दो सिमिलरली विद द पेपर टू पेपर टू आपका सब्जेक्ट पेपर है सो so डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपके दस टॉपिक्स में से हाउ मेनी टॉपिक्स व अ वेरी गुड कमांड लाइक कि लास्ट के जो दो यूनिट्स हैं आई डोंट हैव एनी लाइक ऑप्शन हाउ टू गिव द आंसर्स मुझे नहीं पता है सो so, मुझे पता है कि मेरे आठ जो यूनिट्स हैं दैट इज वेरी स्ट्रांग तो अपने स्ट्रोंग एरिया पे फोकस करके उनके आंसर्स को पहले लॉक कर देना है नाउ द सेकेंड टिप मग अप रिपीट इन द कॉमन क्वेश्चन जैसे कि अगर हम पेपर वन की बात करें सो वी हैव

मीन मोड मीडियन क्या होता है दैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग्स करेक्ट सो अगर आप इन कॉमन चीज को भी मग अप कर लेंगे दैट मीन्स रिविजन कर लोगे जस्ट द मेन हैडिंग्स एंड आई एम टेलिंग यू जितना मैंने अभी नाइन लेसन्स करवाए हैं अगर सिर्फ आप एक से दो दिन दोगे देन यू कैन लर्न ऑल द लेक्चर्स उसके बाद जो रिसर्च नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनको जस्ट पलटते चले जाओ रीड आउट करते चले जाओ बहुत कम है सिस्टम पे भी करोगे मोबाइल पे भी करोगे देन यू कैन डू इट उसके बाद जो हमने कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो हंड्रेड एंड वन परसेंट आएंगे सेम क्वेश्चंस कभी नहीं आते बट द कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट्स एंड द कॉन्सेप्ट डेफिनेटली कम्स इन योर एग्जामिनेशन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं यही आना है हो सकता है वो ये पूछें दिस इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉट क्वेश्चन चेंज हो सकता है बट द कॉन्सेप्ट चेंज सो यू हैव टू मैगअप एंड रिपीट द कॉमन क्वेश्चन नाउ द टिप थ्री इज दट अटेम देर लॉट ऑफ कंफ्यूजन की एन टी ए की वेबसाइट पे देर आर निगेटिव मार्किंग देयर इज नेगेटिव मार्किंग बट आई एम टेलिंग यू नेगेटिव मार्किंग जब फर्स्ट टाइम ब्रॉशर आया था ऑगस्ट में देन दे हैव मैं अबाउट द नेगेटिव मार्किंग और उन्होंने ये भी लिखा था कि पेपर विल बी ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज बट इफ यू विल चेक द कोरियनडम जो रिवाइज नोटिस आया उसमें दे हैव क्लियरली मैंशन देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग और जो पे, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर्स होंगे दैट विल बी इन द लैंग्वेज पार्ट और साइंस के सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगे बाकी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे सो वॉट यू हैव टू डू यू है

दैन द क्वेश्चन विल अराइज और यहाँ पर नीचे आपका दिखेगा हाउ मैनी यू हैव अटेम्प्ट और नीचे पाँच छः ऑप्शन होते हैं लाइक सेव एंड नेक्स्ट क्लियर सेव एंड लीव इट फॉर द रिव्यू एंड सेव रिव्यू एंड नेक्स्ट सो अगर आप इस तरीके से देखेंगे सो so क्वेश्चन अगर आपने फॉर रिव्यू छोड़ दिया मार्क करके सो दैट आंसर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द फाइनल आंसर वो उसको नॉट आंसर्ड में काउंट करेगा उसको मार्क नहीं माना जाएगा अगर वो ठीक होगा या गलत होगा कुछ भी नो पॉजिटिव नो नेगेटिव मार्किंग सो प्लीज़ मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो उसको सेव एंड नेक्स्ट करो अगर डाउट है तो करो लीव फॉर द रिव्यू अदरवाइज जस्ट सेव एंड नेक्स्ट जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो एट द लास्ट ऑफ द एग्जामिनेशन आर्स मिनट्स आई कैन से ये ना हो कि ओ मैंने सारे रिव्यू के लिए छोड़ दिए थे एंड आई वॉज जस्ट नॉट एबल टू फाइनलाइज दिस आंसर सो दैट इज़ अ बिग मिस्टेक जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में होती है नाउ द टिप फाइव इज दैट यू हैव टू अटेम्प्ट द शॉर्ट क्वेश्चन वॉट डज दिस मीन्स वेन यूल स्टार्ट रीडिंग योर पेपर वन एंड पेपर टू जस्ट फाइनलाइज और प्लान कि मैं पेपर वन पहले करेंगे लाइक like, अभी मैंने पेपर वन उठा लिया एंड वेन यू स्टार्ट योर पेपर वन जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन लेंदी है एक बार आपने पढ़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है सो जस्ट स्किप लीव इट जो शॉर्ट है मीन मोड एंड मीडियन वट इज अ कोरिलेशन दिस एंड दिस चार लेटर दिए हैं मीन क्या है चार लेटर दिए हैं मोड क्या है दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन डैश स्टैंड फॉर दिस दैट्स ऑल्व टॅम्प्ट ऑल शॉर्ट क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल पांच क्वेश्चन के लिए बोला जाता है कि आप मैक्सिमम आठ मिनट या नौ मिनट ले लो दैट सॉल्व इससे ऊपर नहीं एक क्वेश्चन एक मिनट बहुत ज्यादा होता है सो so, कोशिश करो कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप हाफ टाइम के अंदर फिनिश अप कर दो दैट इज वॉट आई एम से टिप सिक्स इज दैट स्किप लेंथी क्वेश्चन बिकॉज लेंदी क्वेश्चन जब आप रीड आउट करते हो ना तो एक स्ट्रेस होता है दिमाग में एंड यू विल नॉट मग अप की वॉट दे वॉन्ट टू आस्क और वो उस लेंथी क्वेश्चन को आपको पढ़ने में तीन गुना टाइम लगेगा एक बार रीड आउट करोगे सेकेंड करोगे थर्ड करोगे एट द फोर्थ अटेम्प्टू जस्ट केम टू नो ओ दैट इज वॉट दे आर आस्किंग सो अगर ऐसा हो रहा है सो यू आर लिविंग नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन फाइव शॉर्ट क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो और जब टाइम फ्रेम कम बचेगा तो ऑल जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर हैं वो भी गलत हो जाएंगे सो प्लीज मेक श्योर अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्किप ऑल द लेंथी क्वेश्चन फॉर द एंड अगर टाइम बचता है देन ओनली अटेम्प्ट ट्राई टू फिनिश ऑल द फाइव क्वेश्चन और आई कैन से वन क्वेश्चन इन वन मिनट दिस इज टेन मिनट्स मैक्सिमम इससे ऊपर लग रहा है तो स्किप सीधे स्किप नाउ अटेम्प्ट सेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे कि पहले बताया आप वो सेक्शन अटेम्प्ट करो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो और ये क्वेश्चन देखते ही समझ आता है कि लाइक दिस ओह दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टी टेस्ट मुझे तो टी टेस्ट आता ही नहीं है आपने देखा कि नेक्स्ट पांच क्वेश्चन जो हैं रिलेटेड टू टी टेस्ट रिलेटेड टू एनोवा टू इेट्रिक टेस्ट ठीक है स्टूडेंट पेयर टी टेस्ट अनपेयर टी टेस्ट वाई इज़ द रीजन ऑफ दिस टेस्ट तो आपको समझ में आ गए कि ये जो सेक्शन है दिस इज दिस सेक्शन इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज मुझे आज तक टी टेस्ट नहीं समझ में आया हो तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस सेक्शन को छोड़ दो ओनली अटेम्प्ट द सेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें पता हो कि लाइक आई डू दिस अगर मुझे स्टैटिस्ट पे कॉन्फिडेंस है तो मैं आँख बंद करके उस पेपर को पढ़ दूंगा और सबसे पहले वही अटेम्प्ट करूँगा और अगर वो क्वेश्चन ज्यादा है तो दैट इज द बेनिफिट फॉर मी गॉट इट नाउ द टिप नाइन इज रिवाइज प्रिसाइज नोट्स ओनली उसके लिए आपको क्या करना है यू हैव द पी डी एफ यू हैव द लेक्चर्स जस्ट पुट एन ईयरफोन लिसन ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम लेक्चर वन टू लेक्चर नाइन उसके बाद यू हैव टू लिसन ऑल द एम सी क्यूज अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन सो दैट आपको ये समझ में आ जाए ओह दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन एंड दिस इज द क्वेश्चन ओह दिस एक्सप्लेनेशन वर्कस इन दिस क्वेश्चन वाओ दैट्स ग्रेट क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे डेफिनेटली होने भी नहीं चाहिए अगर क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं दैट द एन टी ए इज़ नॉट कंडक्टिंग द एग्जाम प्रॉपरली सो यू हैव टू रिवाइज योर प्रसाइज नोट्स ओनली अगर नोट्स बनाए हैं वेल एंड गुड अपने नोट्स उठाओ बुक्स नहीं नोट्स आई एम द नोट्स नाउ द टिप टैन इज दैट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे उनके जो कॉन्सेप्ट थे उनको मग करो ना कि क्वेश्चन को रटो जो फॉर्मूला है वो ये क्यों फॉर्मूला लग रहा है करेक्ट सो so ये चीज को कॉन्सेप्ट्स को फोकस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सो यू विल गेट एन ह्यूज कॉन्फिडेंस इन पेपर वन एज वेल एज पेपर टू दोनों पेपर में कॉन्फिडेंस मिलेगा बिकॉज सब्जेक्ट के टॉपिक चेंज नहीं होते जस्ट कॉन्सेप्ट द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन विल चेंज इन एवरी पेपर नाउ ओवरऑल आई कैन से यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट बिकॉज नेगेटिव टॉक्स विल सर्कुलेट ऑल अराउंड योअर फ्रेंड्स विल से लाइक दिस एंटी एग्जामिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट देर इज़ नो सीट इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देर इज नो सीट इन डेली यूनिवर्सिटी स्टिल दे आर कंडक्टिंग द एन टी एस यू ई टी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक मनी कुछ भी नहीं होगा एवेल्युएशन भी ठीक से नहीं होगा रिजल्ट भी ठीक से नहीं देंगे दैट इज ऑल वेस्ट इसको क्वालिफाई करने के बाद कुछ भी नहीं होना एक्सेक्ट्रा एक्सेट्रा सो जस्ट फॉर गेटेड ऑल थिंग्स यू हैव टू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ नो निगेटिव टॉक्स जस्ट कॉन्फिड बी कॉन्फिडेंट रिवाइज योर सिलेबस

और नीचे जैसे कमेंट्स करते हो डेफिनेटली वैसे करना अदरवाइज ये कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हो जाएगा सो यू डोंट वांट कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा सो अपनी इतनी बड़ी रिसर्च फैमिली डाउन होगी सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव बाय टेक केयर